सलाम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी YouTube फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करे कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली को ढेरों खुशियां। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक मिलती रहे। तो जी, कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो क्लियर होनी चाहिए वो क्लियर होंगी और वो इंशाल्लाह 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 ज़रूर होंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो वो हिसाब हुआ हुआ इनका कि बस कोई लूप होल हम ढूंढ रहे हैं। जब एक चीज आपने बोल दी तो वो बोल दी, जाके आप किसी उलमा से, किसी दीन से, किसी मुफ्ती से पता करो कि अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक नहीं पांच दफा बोल दिया तब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब कुछ लोगों ने अपनी अना का मसला बना लेना है कि ये और वो साथ इकट्ठे रह रहे हैं, अभी तक उनकी फैमिलियों को भी शर्म नहीं आ रही, ना बड़े भाई को, ना बड़ी बहन को, ना छोटी बहन को, ना किसी को कुछ शर्म नहीं आ रही कि ये बहुत गलत हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं जाहिलियत। एनीवे, तो मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वो है, कुछ बात हो तो बोलो, अगर कोई बात है नहीं तो उसमें बोलना क्या। तो हमने तो भी सामने रखी है, इसे कोई इनकारी नहीं हो सकती कि ये बात किसकी है, ये किया किसने है। और कुछ लोगों ने बहुत इसमें गलत बोला कि लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, ये उनका अपना मसला था। लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाके नहीं होती। लड़ाई झगड़े एक डिफरेंट बात होती है। अखल के नाखून लो बहनों, किस बात पे मुड़ी हुई हो। मैं तो कहती हूँ आप सारे ये उसके साथ मिले हो, आप सारे ही उसके साथ जाहिल हो। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही हो मुझे और कह रही हो जी लड़ाई झगड़े हर घर में होता है, ये उनका अपना मसला था। उनका अपना मसला नहीं था, जब पूरे गांव ने सुना इतनी ऊंची आवाज में, उनका अपना मसला नहीं था। ये जो बंदा चीख चीख के एक बात को बोल रहा है तो अपना मसला नहीं था। जब एक बात बोल दी और वो भी साथ वाले नेबर ने सुनी, उससे ने सुनी, सामने वाले ने सुनी, रास्ते में से गुजरते हुए लोगों ने सुनी, तो वो बात रही नहीं। और सुनते सुनाते जब तीन चार लोगों के कानों में पहुंची तो वो शरई तौर पे हो गई। तो अब ये कुछ लोगों ने बोला कि घर का क्या, ये कुछ लड़ाइयां होती हैं जो हर घर में होती हैं और वो सुबह होती हैं, दो मिनट के बाद, दो घंटे के बाद देखो तो वो डिफरेंट हुई होती है। लेकिन ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग सारे किस साइड पे चले हुए, उनकी फैमिली किस साइड पे चली हुई है। ना बड़े भाई को होश है, आजकल तो शायद उनका आना जाना भी नहीं है। और कुछ और लोग थे जो उनको कुछ नहीं समझा रहे कि ये गलत है, आप नहीं रह सकते इकट्ठे। लेकिन चलो एनीवे, हमें क्या, वो जाने उनका काम जाने, उनकी फैमिलियां जाने, गुनाह जाने, सवाब जाने, हम क्या जाने। तो अभी जी मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक। मैं थोड़ा सा कैमरा ले आती हूँ अपने नजदीक ताकि आप लोगों को आए नजर, और मैं इस कुकर की लाइट कर देती हूँ ऑन ताकि आप लोगों को और क्लियर नजर आए। तो बाकी रही बात, लोग बोलते हैं जी अली ये, अली वो, अली ये, अली जो है अली सबके सामने है, कभी इस तरह की बात उसने की नहीं है। और बाकी रही छोटी मोटी बातें, वो तो चलो जी चलता है ना। अच्छा जी, मैं लगी हूँ मैंगो मिल्क शेक बनाने, तो अभी मैंगो का सीजन नहीं है तो मैं लेके आई हूँ मैंगो पाउ, तो इससे बनाऊंगी मैंगो मिल्क शेक। शुगर वगैरह डालने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है, तो मैं साथ में यूज करूंगी फुल डबल क्रीम। दूध को लेते हैं खोल, और मेरे पास है जी वनीला आइसक्रीम, इसके भी मेरे ख्याल से 3 से 4 स्पून इसमें है, वो डाल लूंगी। और एक कदर मेरे पास है मैंगो कुल्फी, ये भी इसमें डालेंगे। तो चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंगो पाउ तो खोलूंगी, ये डालूं क्योंकि ये ऑलरेडी स्वीट होता है, और साथ में हमने आइसक्रीम डालनी है तो मुझे जरूरत नहीं है शुगर डालने की। ये डाल दिया, साथ में हम डाल देंगे ये वाली आइसक्रीम जितनी भी है उतनी।
साथ में ही एक मैंगो कुल्फी कर लिया। इसको ना मैं कटिंग करूंगी, कट के डालूंगी, ये इस तरह तो नहीं जाएगी, होगा सिर्फ पीले वाली। तो इसको मैं ना उससे निकाल उतार के फिर डालूंगी। मेरी ही गलती है ओवरसी, मैंने डब्बे में कर दिया, मैंने वो नहीं लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई आज तो, बहुत बड़ी गलती हो गई। एनीवे छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी डालूंगी जी डबल क्रीम, सारी ही डाल देती हूँ, फिर एनी पड़ी रहेगी फ्रिज में। थोड़ा सा मैं और अभी इसको करते हैं मिक्स और बनाते हैं मजे मजे का मैंगो मिल्क शेक। बच्चों के लिए एक ग्लास और अपने लिए कप। अच्छा जी, तो मैं लेके आई हूँ जी एक अदद रबाब के लिए, एक अदद हुसैन के लिए। ईमान और ऐना लाइक नहीं करती, उनको नहीं दूंगी। देखो उनके स्ट्रॉ इधर पड़े हुए हैं। अच्छा जी, एक का स्ट्रॉ मुझे मिला, वो भी डिफरेंट ग्लास का है। एनी वे दूसरे को दूसरे में दे दूंगी। नाइस नाइस, ठंडा 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 मिल्कशेक। अच्छा जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाह के लिए डालूंगी। ये वाला इसमें डालती हूँ, इसके साथ वाला स्ट्रो पता नहीं कहाँ बैठी है। अभी मैं जाती हूँ जी दूसरा स्ट्रो ढूंढ के लाती हूँ। अच्छा जी, बच्चों को मैं मिल्कशेक अंदर दे आई हूँ, अब मैं खुद अपने लिए डालती हूँ। आ जाए जिस जिसने मेरी फैमिली ने पीना, मैं थोड़ा पी के देख लूँ कैसा बना। बहुत मजे का बना, जिस भी मेरी फैमिली ने पीना आ जाए। इरो मापी के साथ आके आज मैंगो शेक पिए। तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है जी, लोगों को सीखना चाहिए, अपनी लड़कियों को तलीम याफ्ता करना चाहिए, ताकि उनमें इतना शौर हो कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, ताकि वो अपने लिए खड़ी हो सके, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। अब वो औरत मार भी खाती है, जूते भी खाती है, धक्के भी खाती है, हर चीज उसने करवा ली, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठी है। तो ऐसी औरतों को हम क्या बोलेंगे जो खुद आके बोलती है कि मार लो हमें, जिस तरह मर्जी कर लो, हम पिसने के लिए बनी हुई है। तो फिर उन जैसी औरतों का कुछ नहीं हो सकता और तीन जैसे मर्दों का भी कुछ नहीं हो सकता। इतनी गंदी जबान वाले, इतनी गंदी जबान वाले कि इनका कुछ हो ही नहीं सकता। एनीवे, वीडियो का एंड मैं करती हूँ यहीं पे। अब मैं जाके पीती हूँ मिल्कशेक, आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। अगर इरम आपने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल आपकी इरम आपी फिर आपके सामने हाजिर हो जाएगी इंशाल्लाह, और एक अच्छे नए टॉपिक के साथ और एक अच्छा नया व्लॉग लेके। तो लेती हूँ आप सबसे इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मिलूंगी। लव यू माय फैमिली। अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़ ऑल।